तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं दे देना चाहता हूं। उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू एक वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो ज़रूर से इसको देखें। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं देन दिस इज़ द राइट टाइम टू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों वीरांदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। अगर इसके हम ओपनिंग की बात करें तो 29 मार्च को जो है तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट होगी और फाइनल डेट यानी कि 31 मार्च जो है तो वो लास्ट डेट होगी जब आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 130 से लेकर के 137 आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 137 में ही अप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हों तो। फिलहाल अगर यहाँ पे हम इशू की बात करें तो ये जो इशू है लगभग 200 करोड़ का इशू होने वाला है और पूरा का पूरा यहाँ पे फ्री इशू है, यानी कि ओएफएस इसमें एक भी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पे हम इसके फेस वैल्यू की बात करें, जिस प्राइस पर ये लिस्ट होना चाह रहा है, जिस प्राइस पर इशू होना चाह रहा है, तो फेस वैल्यू जो है 10 रुपये की होने वाली है। और अगर आप यहाँ पे 137 के प्राइस पर अप्लाई करेंगे तो एक लॉट में आपको 100 शेयर्स जो हैं वो अप्लाई करने होंगे, यानी कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो 13,700 रुपीज़ निकल के आएगा एक लॉट का अगर आपने एप्लीकेशन करेंगे तो। अब अगर हम थोड़ा और डिटेल में इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलॉटमेंट होगी वो 5 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर रिफ़ंड की बात करें, अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है जिनका, तो उनको रिफ़ंड जो है 6 अप्रैल को हो जाएगा। और यहाँ पे जिनको भी इक्विटी आईपीओ अलॉट हो जाएगा तो उनको जो इक्विटी है उनके डीमैट अकाउंट में 6 अप्रैल को ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 7 अप्रैल को आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अगर यहाँ पर हम बात करें कोटा की, तो आप देख सकते हैं QIB का कोटा जो है 75% है, NII का यहाँ पे आपको 15% देखने को मिलेगा। और चूंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, यही रीज़न है कि यहाँ पे रिटेल का कोटा आपको 10% देखने को मिलेगा। IPO आने से पहले अगर हम प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो लगभग 87% हमें देखने को मिलता है। IPO आने के बाद यहाँ पे जो पोस्ट इशू हो जाएगा वो 64% हो जाएगा और पब्लिक की यहाँ पे होल्डिंग जो है वो 10.78% से बढ़ के 34.13% हो जाएगी। कंपनी के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं बता दूं कि अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वहाँ पे उमा एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे वीरांदा की बात करें तो दोनों में ही कोई भी डिमांड और सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पे GMP आपको फिलहाल जो है तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसा है भी जो भी GMP का अपडेट आएगा डेली बेसिस पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, सो मेक श्योर यू हैव जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द डेली अपडेट्स। अब अगर यहाँ पे हम कंपनी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है तो ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स को लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी जो है कुछ उसी तरीके से बिजनेस में है जिस तरीके से बायजूस हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से अनअकैडमी हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वेदांतु हमें देखने को मिलता है। ऑल दो वेदांतु एक अलग सेगमेंट में हो जाता है, क्योंकि अगर वेदांतु की हम बात करें तो वहाँ आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेस नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है तो आपको 4 वर्टिकल्स में कार्य करती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है वीरांदा रेस, वीरांदा CA जहाँ पे आपके CA के कोर्सेज कराए जाते हैं, वीरांदा IAS ये IAS के कोर्सेज के लिए होते हैं, ऑल दो ये एक ये चारों सब्सिडरीज हैं वीरांदा की ही, एंड वीरांदा इजुरेका यहाँ पे जो है तो IT से रिलेटेड जो भी स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज होते हैं, ना सिर्फ IT से रिलेटेड, कंसल्टेंसी हो गए आपके सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो सारे जितने भी स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे इजुरेका के में जो है इस सेगमेंट में इस वर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। वीरांदा IAS की बात करें तो यहाँ पे UPSC से रिलेटेड कोर्सेज हो गए आपके, यहाँ पे स्टेट PSC से रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे, SSC से रिलेटेड हो गए, तो इस तरीके से आपको जो है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये जो वर्टिकल है वो कार्य करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस सेगमेंट में इनको एक तगड़ा कॉम्पिटिशन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ बायजूस से देखने को मिलेगा और अनअकैडमी से देखने को मिलता है। इनफैक्ट तगड़ा कॉम्पिटिशन क्या मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेगमेंट में अगर हम बात करें तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ऑल्दो स्टिल आज के डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं और बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग जो
हैं तो आपको दिल्ली एंड हैदराबाद में देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल अगर हम बात करें वीरांदा रेस, जहाँ पे आपके IIT वगैरह के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, तो उन सब में जो है तो नो डाउट कोटा का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम हमें ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। और कोटा में जितनी भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे हम बात कर लें LN की, चाहे हम बात कर लें रेजोनेंस की, चाहे हम करियर पॉइंट की बात कर लें, ये सारी कोचिंग न सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग जो है तो अपने अलग अलग सेंटर्स में प्रोवाइड करती हैं, बल्कि उसके साथ इनके डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन चारों वर्टिकल में बात करेंगे तो वीरांदा जो है तो फिलहाल मैं कहूँगा अभी नो वेयर हमें देखने को मिलता है। इनके जो पीयर्स हैं, इनके बड़े बड़े जो भी कॉम्पिटिटर हैं, उनके सामने फिलहाल अभी नो वेयर है। और ये कहानी जो है तो ये कहानी इनके फाइनेंशियल्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 2 साल से ये ज़ीरो रेवेन्यू कंपनी रही है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल 2021 की बात करें, इन्होंने जो है तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास जनरेट किया, जो कि एक्विजिशन वगैरह से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था फ्रेश इश्यू का, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे। एक बार हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फिर हम इनके ऑब्जेक्टिव पे भी आएंगे। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि ये 2 करोड़ के जो रेवेन्यू हैं वो कंपनी ने कैसे जनरेट किए हैं। फिलहाल बात करें 15 करोड़ की, तो यहाँ पे 2021 की बात करें 6 मंथ का, तो वहाँ कंपनी ने लगभग 15.5 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जनरेट किए हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये 2021 जो 6 है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक का यहाँ पे 2021 का लिया गया है। और यहाँ पे जो है तो 31 मार्च, यानी कि 2021 में 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हमें देखने को मिले हैं। फिलहाल आप इसको मान सकते हैं पिछले 2 साल में कोई भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। कंपनी के यहाँ पे अगर इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो यहाँ पे जो है तो रिपेमेंट और प्री पेमेंट, यहाँ पे कुछ बोरोइंग्स है कंपनी की, उसको जाने वाला है अमाउंट 60 करोड़। यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं एक्विजिशन एंड कंसिडरेशन ऑफ एडुरेका, तो ये जो कंपनी का रेवेन्यू सडनली 2 करोड़ और 15 करोड़ का आया है, वो कुछ इस तरीके के एक्विजिशन से हमें देखने को मिला है, जहाँ पे इनको अभी भी कुछ लोन जो है तो वो पे करना है, जो कि 25 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी जो है ग्रोथ इनिशिएटिव्स पे 50 करोड़ का जो है तो जो फ्रेश इशू से आएगा उसका 50 करोड़ जो है तो ग्रोथ इनिशिएटिव्स पर स्पेंड करने वाली है। और जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस की बात करें तो वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट आप इसे कुछ इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 200 करोड़ का फ्रेश इशू है, जहाँ से ये जो टोटल हो जाते हैं ये आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे 135 करोड़ रुपीज़, यानी 65 करोड़ रुपीज़ जो है आपके जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ में जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी की। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहले, कंपनी जिस आइडिया पे कार्य कर रही है वो आइडिया कोई यूनिक आइडिया नहीं है, इनके पास ऐसा कोई यूनिक आइडिया नहीं है जिस पे ये कार्य कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकेंड, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, इनके फाइनेंशियल में भी वो दम नहीं दिख रहा। चलिए मान लेते हैं कि आइडिया फिर भी बहुत सारों के पास है, फिर भी बायजूस काफ़ी अच्छा कर रहा है, वेदांतु काफ़ी अच्छा कर रहा है, अनअकैडमी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन ये अच्छा अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म की। तो वो देखिए 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि क्या डिमांड निकल के आ रही है, और उससे जो है तो HNI कॉस्ट भी क्या निकल के आ रही है, फिर उस पर जो है तो डिसाइड किया जाएगा कि इस पर अप्लाई करना है या नहीं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट का सेंटिमेंट। अब अगर मार्केट का सेंटिमेंट ज़्यादा ख़राब होता है, कुछ निगेटिविटी बन के आती है, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक में भी पिटाई हमें देखने को मिलती है, और फिर उसमें से इस स्टॉक में उतना भी दम नहीं है कि वो वहां पे मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट को बीट कर जाए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनल डे में मैं जो भी मेरा डिसीजन रहेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे मैं जरूर से जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर कि आप यहां दोनों जगह जो है अपने आप को अवेलेबल रखें, और जो भी मैं अपडेट्स दूंगा वो आप मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, कंटेंट कैसा लगा, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो कैसी रही, वीडियो कैसा रहा, आप चाहे तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, सी यू, टाटा, बाय बाय।